सतत विकास लक्ष्यों को पंचायत स्तर पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी पीछे न छूटे। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पंचायतें बच्चों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों के सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और सहभागिता जैसे अधिकारों को संरक्षित करने तथा बच्चों में नागरिक मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से बाल हितैषी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बाल सभा का गठन करने के लिए प्रेरित कर रही है। बाल सभा का गठन सभी पंचायतों में 2 सप्ताह के जन अभियान स्वरूप प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया जाएगा। बाल सभा के गठन की घोषणा ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में की जाएगी। तत्पश्चात बाल सभा का गठन ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधान एवं सम्मानित सदस्यों की समिति की देखरेख में प्रत्येक वार्ड से 2 बाल सभा सदस्यों के चयन से होगा, जिसमें 50% सदस्य बालिकाएं होंगी। बाल सभा सदस्यों में से बाल सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 1 बालक और 1 बालिका को बाल सभा द्वारा चुना जाएगा। बाल सभा में विभिन्न मुद्दों से संबंधित 7 मंत्रालयों की परिकल्पना की गई है। बाल सभा की पहली बैठक के दौरान बाल सभा अध्यक्ष की उपस्थिति में शिक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, खेलकूद सांस्कृतिक मंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, खाद्य एवं पोषण मंत्री, योजना मंत्री, संचार एवं प्रसार मंत्री जैसे 7 मंत्री और उपमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। पहली बाल सभा की बैठक से पहले बाल सभा सदस्यों को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा बाल सभा के उद्देश्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रिमंडल के दायित्वों के विषय में प्रशिक्षित किया जाएगा। पहली बैठक के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा स्वागत और उद्बोधन के बाद बाल सभा सदस्यों का परिचय होगा। बाल सभा के चयनित मंत्री और उनके दायित्वों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद आगामी कार्य योजना पर बाल विकास से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किए जाने वाले प्रमुख कार्य जैसे लागत, बिना लागत और कम लागत के कार्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बाल सभा की प्रतिवर्ष 4 बैठकें होनी अनिवार्य है। 27 नवम्बर, 24 जनवरी, बालिका दिवस 7 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस और 29 अगस्त खेल दिवस। राज्य वित्त के प्रशासनिक मद की धनराशि द्वारा वर्ष में 4 बार बाल सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी प्रधान और सचिव द्वारा पूरी की जाएगी। पहली बैठक ग्राम प्रधान के सहयोग से होगी। प्रत्येक बैठक की सूचना 5 दिन पहले ही समिति और बाल सभा को दे दी जाएगी। बाल सभा के कार्यों और दायित्वों की बात करें तो इसके द्वारा 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण और नामांकन में सहयोग, मध्याह्न भोजन की देखरेख, विद्यालय परिसर की स्वच्छता, संपूर्ण टीकाकरण हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना, 18 वर्ष तक की आयु वाले सभी दिव्यांग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक करने जैसे कार्य होंगे। बाल सभा के माध्यम से लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लड़कियों को भी समान अधिकार प्राप्त हों। लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी करें, घरेलू कामकाज में लड़कों की बराबर जवाबदेही हो और परिवार या समाज में सबकी समान सहभागिता हो। यही नहीं, ग्राम पंचायत की सहायता से समय समय पर खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बालक बालिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए पंचायत में चर्चा करना, बाल अधिकारों के साथ जीवन जीने के अधिकारों को पंचायत के साथ साझा करना, बालक और बालिकाओं के हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ ग्राम सभा के माध्यम से बालक बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना बाल सभा की जिम्मेदारी होगी। बाल हितों से जुड़ी समस्याओं का ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाले विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से संपर्क करके समाधान सुनिश्चित करना भी बाल सभा का ही दायित्व होगा। बाल सभा की पहल से जहां ग्राम पंचायतों में बच्चों के अनुकूल, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण का निर्माण होगा, बाल हितैषी पंचायतें बाल अधिकारों के प्रति सजग और जवाबदेह होंगी, जिससे बच्चों से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था की निगरानी भी आसानी से संभव हो सकेगी। बचपन की सर्वांगीण सार्थकता से जुड़ी बाल सभा की पहल निश्चित ही
एक बेहतर समाज के निर्माण में सहयोगी साबित होगी। बाल सभा का गठन, विकसित बचपन। For every child,